माननीय सुशील कुमार गुप्ता जी। धन्यवाद उपसभापति महोदय मेरे को समय देने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्टरनेटिव चिकित्सा पद्धति इस देश के अंदर बहुत ज़रूरी है। हालांकि एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति का प्रभाव देश और दुनिया के अधिकतर देशों में ये देखने को मिलता है, परंतु जटिल रोग विशेषकर स्किन से संबंधित और ऐसे जो जटिल रोग हैं जिनको बिना ऑपरेशन से ठीक करना है, उसमें हमारी होम्योपैथिक आयुर्वेदिक यूनानी पद्धति हिंदुस्तान में जो परंपरागत चली आ रही हैं हमेशा ठीक रहती हैं। मैं इसके साथ ये कहना चाहूँगा कि होम्योपैथिक कॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा खुलने चाहिए, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पे एलोपैथिक डॉक्टर जाने से कतराते हैं और वहाँ के लोग इलाज के बिना वंचित रह जाते हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर एंटीबायोटिक देने का एक रिवाज चल पड़ा है, खांसी है जुकाम है, जबकि दुनिया में WHO ने ये तय किया है कि एंटीबायोटिक अगर देनी है तो उससे पहले लिखित कारण देना पड़ेगा किस मजबूरी में एंटीबायोटिक दी जा रही है। होम्योपैथिक क्षेत्र के अंदर ऐसी एंटीबायोटिक नाम की कोई चीज़ नहीं है और बिना मनुष्य के शरीर को नुकसान करते हुए ये अच्छा कार्य करती है। मैं इसके लिए आपसे ये भी निवेदन करूंगा, एक मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आप सजेशन स्पेसिफिक दीजिए, दैट विल हेल्प। मैं ये कहना चाहूंगा कि हेल्थ के बजट के अंदर एलोपैथिक के अलावा कुछ जो हमारे परंपरागत पद्धतियां इलाज की हैं उनके लिए बजट स्पेसिफाई होना चाहिए एक कंबाइंड बजट के अलावा। मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कि इस पीरियड के लिए तो 2 साल कर दें अच्छा है, परंतु हमेशा के लिए 2 साल, हमेशा हम ये मान के चले कि करप्ट बॉडी आएगी और उसको रिप्लेस करने में 2 साल लगेंगे, ये मुझे लगता है स्वायत्तता के ऊपर असर है। इस पीरियड के लिए आप बेशक करें, एक्ट के अंदर प्रावधान नहीं होना चाहिए, एक्ट में 1 साल का प्रावधान। ठीक, धन्यवाद।